अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं नताशा, ये वो कहाँ से मंगवाए थे दरवाजे में लगाने के लिए, छिपकली, काकरोच, लाल बेग, सांप, बिच्छू, खंगाजूरा। ये कल आपने क्या किया था, रिकॉर्ड किया है? कहाँ से इतने लापरवाह हैं? देखो मैं अभी भी लापरवाह, छत से पानी निकल रहा था जो, पता नहीं आप निकलना बंद हो गया जी, कभी कभी निकलता है। अभी वो कहाँ से लगा, इससे दरवाजे कहेंगे साइज चेक करें, छोटा लग रहा है मुझे, लगा के देखें। ये भी मैंने ही ऑर्डर किए हैं, ये भी मैंने पेज को बोला है, साइज दिया था मुझे, ये भिजवा दें। मैम आपसे पैसे लेंगे, कैसी बात कर रही हैं, आपने हमेशा हमें फ्री में सपोर्ट किया, हम अब आपसे पैसे लेंगे? नहीं लिए उन्होंने मेरे से पैसे, और पूरे घर के डोर्स के बना के भेजे हैं, इवन डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लिए। उस तरह से फंसाओ ना, हाँ बार बार मुझे टेंशन नहीं होगी, आप लोगों के ना नहीं पड़ेगा, कपड़ा आगे करो, कपड़ा आगे करो, परफेक्ट साइज आया, अब छिपकली भी नहीं आएगी, बंद ही नहीं हो रहा डोर तो, नहीं बंद, डोर तो बंद हो जाएगा, आपने तो मेरे मुंह पर डोर बंद कर दिया। मैं आटा गूंद रही हूँ और भार मुझे पानी दे रहा है भर भर के, थैंक यू भाज, जल्दी से लेकर आओ पानी। आप गुड बेबी हो भाज, आप गुड बेबी हो, ठीक है। और ये गंदा बेबी है, इसको मैंने कहा पानी भर कर दो, इसने भर के नहीं दिया, गंदे बेबी, दिखाओ मुझे, और लेकर आओ, और चाहिए मिलो, और लेकर आओ, थैंक यू। आपको पसंद है आटा गूंद रहा है, आपने भी गूंदा है, ये देखो कह रहा है ये पराठा गोल गोल क्यों घूम रहा है, मैंने कहा पराठा नहीं आटा है, आटा आटा आटा, अब हाँ आटा गूंदा है ना, पानी भर भर के बाहर आटा गूंदा है। तो भाई आटा गूंद गया है, ये देखिए आपके सामने इतना सॉफ्ट सा आटा गूंद गया है। अच्छा उसके बाद आटा निकालती हूँ डब्बे में सिल्वर वाले, और बर्तन धो दिए थे मैंने जब तक आटा गूंद रहा था। हाँ। कितनी रोटी खाओगे? छोटी रोटी खाएगा ये, अच्छा ठीक है मैं आटा निकालती हूँ। तो भाई मैंने चार पराठे बेल के रख लिए हैं, तो जो दरवाजे वाला लगा हुआ है ना, आज क्योंकि संडे है तो काम वाली तो आएगी नहीं, तो एक रोटी लास्ट में दरवाजे वाले की बनाएंगे, ठीक है। सो वो खा लेगा, बिरयानी खानी उसे बिरयानी खा लेगा, रोटी खानी रोटी खा लेगा। सो चाय तो बन गई, और बर्तन इतना काला हुआ है चाय वाला, आई थिंक गैस बिल्कुल एंड लगी हुई है। ये बड़ा मसला होता है जब न्यू घर बनता है तो गैस नहीं होती, तो सिलेंडर लगवाना पड़ता है, और सिलेंडर इतना बर्तनों का बेड़ा गर्क करता है ना, गर्क सब बेड़ा गर्क हो जाता है बर्तनों का। सो पराठे बनाते हैं हम जल्दी से। ये देखें जी, तवा ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने इस तरफ कर लिया है। सो वो कहाँ गए हुए थे दरवाजे वाले को सामान लेके देने के लिए, जो दरवाजे के ऊपर लगनी है ना शीट वीट कुछ पॉलिश है क्या वट एवर, सो वो लेके देने गए थे। ये हमारे पराठे बन भी गए हैं। अब हाँ जब क्या कर रहे हो, मेरे पैरों में लग गई है बेबी, सॉरी का अब्बा। तो ये इस मंडा डालना है, ओके दे दो मुझे। इशिता ये जिंदा है, इशिता ये जिंदा है, इशिता ये जिंदा है, ये जिंदा अभी जिंदा है। वकास को भाई लौंजी इतनी पसंद आई है कि वकास ने फिफ्थ टाइम मुझे ला कर दी है, कह रही है कि लौंजी बना दो नाश्ते में, अब मैं पराठे बनाने के बाद लौंजी बनाऊंगी। कलौंजी नहीं है, लौंजी है, बट ये इसमें कलौंजी और मेथी दाना डलता है, बड़े मजे की बनती है ना रोटी, कितने लौंजी के साथ रोटी का समझ में नहीं आती यार। वैसे हम लोग तीन खाते हैं रोटी ना, मेरी तस्वीर की और वकास की बनती है, बलाज बार तो इस निवाले लगाते हैं, क्योंकि मैं हाफ रोटी खाती हूँ ना, तो हाफ एज बच जाती है, बच्चे खा लेते हैं। सो जब लौंजी बनाते हैं तो रोटी समझ नहीं लगती, चार रोटियाँ बनती है वो भी कम पड़ जाती है, लास्ट में एक और बनानी पड़ती है। ये देखें जी, मैं छीलते जा रही हूँ, पील करते जा रही हूँ छिलका, वकास जो है मुझे काट कर देते जा रहे हैं, अभी क्योंकि इसमें गुठली बन गई है ना, तो वो वाला सिस्टम नहीं हो रहा कि चार पीस कर लो, तो इस तरीके से काटनी पड़ रही है, इस वकास से काटी है। मैंने सारा सामान डाल दिया, मैं जाना कलौंजी, सौंफ वगैरह, नमक, गड़ा मिर्चें, हल्दी, और यहाँ पर देख लें ये उबल रही है, जल्दी से उबल जाती जल्दी से, सो इसको जो है मैं छान लूँगी इसका पानी, ज़्यादा उबालनी नहीं होती, सबसे उबालने जैसे वो चावल नहीं बिरयानी को उबालते वैसे। अच्छा तो जो मसाला बनाया था ना वो यहाँ पर पेस्ट बना लिया, जल्दी जल्दी बन जाए। अच्छा ये देख लो जी, मसाला रेडी हो गया है, जब आप पानी में पेस्ट बना लेते हो ना मसाले को, तो इतने मज़े का ये मसाला बनता है, और बड़े मज़े का लगता है इसके साथ उबली हुई केरी के साथ। सो अब केरी जो उबल गई है हमारी, बस हम इसमें पानी निचोड़ती हूँ, इस पर रखती हूँ ढक्कन, रख देते हैं और दम लग जाएगा जब, तो फिर इसको आप भून लेंगे इसको, बस हमारी रेडी कर लो जी, अभी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। सो यहाँ पे देख लें, जब वो मसाला भून गया था ना और ये उबल गई थी लौंजी की केरियाँ जो होती हैं वो,
सो मैंने पानी निचोड़ के इसके अंदर डाल के अब दम पे लगा दिया, 5 मिनट में रेडी हो जाएगी, फटाफट बन जाती है डिश। तब तक मैं काउंटर साफ कर लेती हूँ। सो ये देखें जी, लॉन्ची रेडी हो चुकी है। कलर देखें इसका कितना प्यारा गोल्डन सा आया है। और अभी मैंने अपनी थोड़ी सी प्लेट में निकाली है ये नाश्ता करने के लिए। सब कर चुके, मैंने कहा कहाँ से बोल दिया था बना दो, मैंने बना दिया। कहाँ से अपना पराठा रख के बैठे हैं, तुम्हारा पराठा मैंने बनाया। पेट भर गया। ओके, सो कैसी लगी लॉन्ची आपको? रेसिपी मिलेगी आपको, एक प्रोमाइज आपने किया, फटाफट बना रहे हैं। चले खाएं। इतने गैर जिम्मेदार है ना वकास, आप लोग बोलते हो ना कि आप यहाँ वकास भाई पे गुस्सा करते रहती हैं। देख रहे हैं हालत, एसी का कनेक्शन करवाया है, ऊपर से बंद ही नहीं किया वो सुराख, और देखें कैसे पानी टपक रहा है पूरे कमरे के अंदर। और ये नया एसी जो 1.5 लाख रुपये का लगवाया है इन्होंने। भाई हम रात को इस कमरे में सोए थे क्योंकि आपको पता ऊपर वाले एसी में पानी आ गया था, उसका बाज कमरे में चलाया नहीं। अच्छा ये वाला शीशा जो है कनेक्ट हो गया, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। टडा, कितना अच्छा लग रहा है कनेक्ट होकर, देखें वाओ, ये कैसा नजर आएगा आपको सही। ये देखा, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन। सो ये मैंने साइज देके बनवाए थे सारे। अभी उन्होंने आज आना ऐसी तारे शारे छुपाने के लिए, क्योंकि जो बाहर लगवाई है ना मैंने, उसकी इर्द गिर्द बीडिंग लगनी थी। एक कैमरा लगता है गंदा हुआ होगा तो ब्लर लगा रहा है। अब साफ हो गया जी। जैसे ये ना इस पर लगी हुई है ना ब्रॉस, इस तरह की ना दरवाजों पे भी लगाने के लिए आती है, तो ये वाली जो चीज़ जगह कटी हुई है ना इन सब पे वो लगेगी, अपने दरवाजों की लुक निकल आएगी। अभी दरवाजों की फाइनल पॉलिश रहती है, अभी तो कच्ची वाली पॉलिश हुई है खाली, अभी तो भी फाइनल होगी, बाहर वालों की भी होगी। देखे ना ये, और बाहर जो आता कुर्सी लगा हुआ है, अभी इसके इर्द गिर्द बीडिंग लगनी है ये। सो वो भी गए हुए हैं बीडिंग लेने के लिए। अभी ये कच्चा हो रहा है, ये गोल इसके ऊपर होती है जैसे चमक आती है वो वाली होनी है, निशान वगैरह भी हाइड हो रहे हैं। अच्छा ये वाला जो ड्रेस है ना, ये शरारा, ये मैंने कल मंगवाया था एक पेज से ऑनलाइन, 4,500 रुपये का ही आया था विद डिलीवरी। सो मैंने ना ये आपको एक झूमर में टांग के दिखाया कि ये ऐसा लग रहा था, चिकन में बना हुआ था ये। ये देखें इस तरह के, और ये शॉर्ट कुर्ती है इसकी, और साथ में जिसका ये गरारा है, और दुपट्टे तो मेरे पास इतने सारे होते हैं ब्लैक। सो मैंने कहा कोई भी जो है वो वेयर कर लूँगी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, सो मैंने मंगवा लिया कि डिफरेंट सा लगेगा ईद पे ना, तो कोई प्यारा सा मेकअप लुक कुछ कर लेंगे इसके अंदर। जब आया है तो वकास को नहीं पसंद आया, वकास था तुमने किसी की शादी है जो तुमने गरारा मंगवाया। मैंने कहा यार मेरा दिल कर रहा था, मैंने ले लिया, आप क्या कर सकते हैं। अभी और भी कपड़े दिखाती हूँ, यहाँ रखे हैं, मैं अभी मैंने उठाया नहीं था, मैंने कहा आपको दिखा के फिर उठाती हूँ। एक ये वाला ड्रेस आया था, एक वो तो मैंने खुद खरीदा था, ये पेज की तरफ से आया है। दुपट्टा है ये इसका, इसकी शलवार है, नहीं ये दुपट्टा ये वाला है, ये दुपट्टा है इसका, बहुत ही प्यारा सा, तस्वीर लगा दूंगी साथ में, आप लोग देख लेना ड्रेस का। ये इसकी कमीज़ है, फिर ये एक पर्पल आया था इसकी भी लगा दूंगी, और ये इसकी वो है, और दो अंदर टांगे हैं वो भी दिखा देती हूँ, इनको भी हैंगर करती हूँ। ओके, सो ड्रेस जो है वो मैंने हैंगर कर दिए हैं। ये देखें जी, खाली ड्रेस मेरे अलमारी में भरे हुए हैं। ये वाला ड्रेस जो मैं कल दिखा रही थी आपको, ये मेरा वाला है जो मिशाल का था, वो मैंने उसको दे दिया था। और ये वाले दो ड्रेस जो मैं आपको बोल रही थी कि दो ड्रेस और आए हैं, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है इनकी, बट ब्रांड ने अब तक यस नहीं किया हुआ। अब इसमें ना आर्मिश का भी कपड़े लटके हुए अलमारी में, इसलिए अलमारी खचा खच भरी है। जब मेरे नीचे वाले बन जाएगा ना वॉक इन क्लोजेट, सो मेरे कपड़े सारे नीचे चले जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बड़ी अलमारी हैं, मुझे टेंशन नहीं होगी इतनी। अभी बाहर उस पर बैठ के, झूले पर बैठ के ना ब्लॉग एडिट करते हैं। अच्छा ये, क्योंकि जब बीडिंग लगी थी ना तो फिर ये उन्होंने तोड़ते हैं ना बीडिंग को लेवल करने के लिए, लेवल नहीं होती जगह, सो ये मिस्त्री ने थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ था ये वाला एरिया, तो फिर वो कासे लड़का बुलाया है कि वो सही करके दे जाए इसको। ये पता नहीं क्या कचरा लग गया, ये निकलवाते हैं वकास को दिखा के कि सिलिकॉन के साथ कचरा भी फिक्स कर दिया साथ ही। सो ये ना अभी ये जगह फिल नहीं हुई थी ये वाली, ये अभी फिल करवाई है, छिपकली निकल आती थी यहाँ से रोज़। सो कल जो एसी से पानी आया है वकास साहब की मेहरबानी से, पूरी वो ऊपर दीवार से पानी आ रहा था, सीलिंग से पानी आ रहा था, अभी तो मैं सोच रही लाइटों में पानी गया होगा। फिर कल हम इस कमरे में सोए ही नहीं, इसीलिए ना हमने एसी चलाया, हमने कहा एक दो दिन अब एसी बंद ही रखते हैं जब तक पानी फुली ड्राई नहीं होता। पर्दे भी सारे गीले हो गए थे, मेट्रोस उठा के देखें साइड पर खड़ा किया है, तो खिड़की खोल देती हूँ, मौसम अच्छा हुआ हुआ है। बैठी हूँ बाहर टेरिस पे, थोड़ा सा झूले लेते हैं। अच्छा टेरिस का शीशा लग गया था, मैंने दिखाया नहीं ना आप लोगों को, एक दफ़ा कहा है मैंने कि दिखाती हूँ, अब फिर मुझे याद नहीं रहा। ये देखें ये सारा ऐसे शीशा लग गया, और सेम एसी जो है ना वो क्या बोलते हैं यार इसको, रिलिंग नहीं ग्रिल, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब सेम ऐसा ही फ्रेम जो है वो बैक साइड पर भी लगना है। अब वो ईद के बाद लगेगा, अभी नहीं लग रहा हो,
ईद के बाद जब लगना हुआ लग जाएगा, और इसके ऊपर फाइबर भी लगना है, यहाँ से बारिश का पानी आता है नीचे, पता नहीं वकास कब लगवाएंगे फाइबर ना। ये जो एक कैसे दिखाऊँ आपको, ये देखें, ये नजर आया टेरेस की छत, इसके ऊपर भी फाइबर लगना है, धुंधला हो रहा है बिल्कुल अब ठीक है। सो इसके ऊपर भी फाइबर लगना है, अभी वो भी लगा, तो ये फाइबर लग जाएगा, फिर नीचे बारिश आना बंद हो जाएगी। फिर अभी किसी दिन टाइम निकाल के स्कर्टिंग साफ करनी है सारी, जो स्कर्टिंग पे पेंट जमा हुआ है, तो अभी मैं खुद नहीं घुल रही। मैंने कहा जितना पहले काम करने वाला है ना वीडियो स्टूडियोज का, वो कर लेते हैं ना। सो ये वाला सारा काम जो है वो बहनों ने भी आना है ना, वो भी साफ करवा ही देंगी, फिर या कोई लड़का लगा लेंगे। जितना मेरे सुबह मैंने खिड़कियाँ साफ की थी नीचे वाली सारी, फिर बारिश हुई है फिर गंदी हो गई है। शीशे वाली खिड़कियाँ बंदा लगवा तो लेता है, पर जब बारिश होती है वो गंदी हो जाती है। मैंने ये टेरेस वाला शीशा भी साफ किया था सारा, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने टेरेस वाला भी शीशा सारा साफ किया था, बट क्योंकि ऊपर वो लगा नहीं हुआ ना फाइबर, तो बारिश का पानी आता है, सारे शीशे पे छींटे पड़ते हैं, फिर वो गंदा हो जाता है। तस्वीर की अलमारी पे छींटे पड़ते हैं यार बारिश के, आप सोचें सारी बात, उनकी पूरी अलमारी के ऊपर ना वो पानी के जो बूंदे बूंदे से नहीं होती, उसके पूरी अलमारी पे जम जाता है, फिर वो भी कपड़े साफ करना पड़ता है। इसके अलावा सारे रोशनदानों में ना इस तरह से बीडिंग और जाली बनवा के वहाँ से लगा दी है, जितने भी रोशनदान खुले थे। अभी ना ऊपर वाले दोनों वॉशरूम्स का एग्जॉस्ट नहीं लगा है, वो लगना है अभी। सो अभी जो है ना मैंने जाना है कीगा मॉल ना कागजात, वहाँ पे ना एथनिक पे चाची नसीम को मैंने वो तस्वीर के ड्रेस की तस्वीर भेजी थी ना कि मुझे इस कलर का ड्रेस चाहिए। चाची वकास का भी ऐसा है तस्वीर, अरमिश का भी है, मेरा नहीं है सर ड्रेस, तो मैंने इनके जैसा ही पहनना है। चाची का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, उसका का भी चाची थी, मैंने मारिया भी इससे लिया था, और उसका आई थिंक एथनिक से लिया था। तो तुम मारिया भी और एथनिक के जो स्टिच ड्रेस कलेक्शन होती है ना उस पर चली जाओ, गीगा या सेंटोरस वहाँ से मिल जाएगा। सो मैं भी जाऊँगी वकास के साथ, देखूंगी अगर मुझे अल्लाह करे वहाँ से मिल गया तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ, पर मुझे आया ही नहीं अभी तक वो पार्सल। मैंने उनको मैसेज भी किया तो उन्होंने बोला कि आपका पार्सल जो है वो ऑन द वे, शायद आपको कल रिसीव हो जाए। सो अगर कल रिसीव हो गया तो वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो कपड़े होते हैं ना जो ब्रांड्स भेजते हैं, ये मैं मोस्टली क्या होता है गिव अवे कर देती हूँ। जो आप लोग स्टोरीज में ऑलरेडी देख चुके हो, फिर ईद मेकअप लुक में या ईद के ब्लॉग्स होंगे उनमें कैसे दिखोगे। तो क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह सी, बारिश आ जाओ। अच्छा इन दिनों ना मैं ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हुई हूँ, उसका रीजन ये है कि नीचे काम हो रहा है, दरवाजों की पॉलिश वगैरह हो रही है। सो अभी तो ये फाइनल लुक नहीं आई, बहुत ही प्यारा सा कलर सेलेक्ट किया था मैंने दरवाज़ों के लिए, इसमें सिंदूर भी ऐड करवाया था। सो जब हो जाएगा फिर दिखाऊंगी। सीढ़ियों का पेंट रह जाएगा इसकी रेलिंग का, इसके भी गोले कुछ लगने थे लकड़ी के इसके ऊपर, वो रह जाएंगे, वो ईद के बाद होगा काम। क्योंकि क्या हुआ था ना, मैंने सोलर की वजह से ना काम रुकवा दिया था, मैंने कहा सबसे पहले सोलर लगवाएं, क्योंकि पता सोलर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, विद सोलर बैटरी का स्टैंड 1,55,000 का पड़ा था मुझे सोलर, और वो भी 5 kV का। काफ़ी लोग बोल रहे थे एक्सपेंसिव पड़ा है आप, बहुत एक्सपेंसिव। अब यार मुझे नहीं पता एक्सपेंसिव का, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर के हस्बैंड थे वो, और वो कह रहे थे हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। 4 batteries भी थी। सो बस शुक्र लग गया, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी और मैंने शुक्र किया कि मैंने सोलर। और फाइनली जी गर्मी का जोर टूटा और बारिश हुई है, और सही गरज चमक के साथ ज़ोरदार बारिश हुई है। इतनी बारिश हुई है कि हमारे कमरे में सैलाब आ गया। वो मैं आगे आपको क्लिप दिखाती हूँ सैलाब कैसे आया, बट माशाल्लाह सही ठंडा मौसम हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह से। उनकी दुकान में कितनी प्यारी बारिश हो रही है, देखें ऐसा लग रहा है कोई बाल्टी से फेंक रहा है ऊपर से पानी सी। वाह, मैंने ना छतरी लगाई है, मैंने कल ही झूले पे कवर बिछाया था, सारी बारिश है सी माशाल्लाह। आज ना बारिश वाला मौसम है, कल तो माशाल्लाह बहुत बारिश हुई है, आज भी जो है वो बादल आए हुए हैं, तो ग्रास देखें पूरी ग्रीन हो गई है। इसका भी पेंट रहता है अभी, और वकास के भी रहते हैं, मैं कर देता हूँ पेंट, मैंने कहा ना करें अभी आप पेंट अभी, बस अब मैंने जिस दिन टाइम मिलेगा मुझे, मैंने ऊपर वो कील ठोक के ना सीढ़ी पर चढ़ के कील ठोक के, सो मैंने जो ये वाली लड़ियाँ ने सारी मैंने यूँ करके लगानी है, बट मुझे कील मिल जाए तार मिल जाए एक लंबी सी, इसको ठोक के लगा दूंगी सारी। तो ये जो दरमियान से जो उनका और हमारा टेरेस का दरमियान में जो गैप है ना वो बंद हो जाएगा इससे। ओके जी फाइनली, तो ये लाइट इसकी ऑन हो गई है, पता नहीं इसका टच कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता। सो मुझे ना ये पसंद आई थी, एक घर के बाहर लगी हुई थी आयतल कुर्सी नहीं लगी हुई थी उसने, फबी आई आला रब भी घुमा तो कर दीबान लगवाया हुआ था ऐसे लाइट के अंदर। तो मुझे शुरू से था कि जब भी घर बनाया ना आयतल कुर्सी लगाऊंगी। एक तो आपको पता है सब तमाम आयतों की सरदार है, और जिस तरीके से फरिश्ते इसको लेकर आए थे जब ये नाजिल हुई थी, सो बहुत ही पावरफुल एक चीज़ है ये। सो मुझे था मैं आयतल कुर्सी लगाऊंगी। दूसरी चीज़ें यहाँ पे ना वो वाला बेदबी वाला भी सिस्टम नहीं है कि छत है तो बारिश का पानी भी नहीं पड़ेगा ना, वो पानी बहता हुआ नीचे जाएगा। सो अब इसकी लाइट ऑन हो गई तो मैंने कहा चलें आपको दिखा दूँ। और पता है मैंने अभी अगेन बिरयानी बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ ठहरें।
किचन इतना गंदा हुआ हुआ था ना, बारिश का सारा पानी जो है ना वो दरवाजे से अंदर आता है, और काफी लोग बोल रहे थे क्यों आता है, वो इसलिए आता है कि अभी ऊपर शेड पे ना फाइबर लगवाना पड़ेगा हमें, जब फाइबर लग जाएगा फिर पानी आना बंद हो जाएगा। सो अभी बिरयानी दम लग गई है, शामी कबाब बन गए हैं, चूल्हा बंद कर दिया है मैंने, शामी कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्राई हो गए, ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी से लवली। और इसके अलावा मैंने ना मिल्क शेक भी बना के फ्रीज कर दिया है, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको, चटनी भी बन गई है, सारे बर्तन मैंने धो दिए, पर बिरयानी का दम खोलने लगी जो वकास साहब ने कल मेरी बिरयानी भुसा दी है, अगेन बिरयानी बनाई है मैंने आज, ये डालो सालन काम हो ना तुम्हारे, नहीं आज सालन तेज इसको करीब करें ना, करीब करें, बिस्मिल्लाह अब बताओ सालन का मैं आज है? ये देखें ऐसी बिरयानी कौन खिलाएगा वगैरह साहब, बिरयानी नहीं जी मैं ज़्यादा अच्छी बनाती, जब भी मैं कुछ करता हूँ गलत ही हो जाए। कल भी आपने मेरी बिरयानी का बहुत मजाक बनाया था, और अभी मेरी बिरयानी क्रेविंग में खत्म नहीं हुई तो आपने मेरी बिरयानी भुसा दी, तो अपने हाथों से फ्रिज में रख के जाऊंगी ऐसा में ना गलती है तस्वीर बाजी की, इसने 2-3 बजे उठ के बिरयानी खाई और फ्रिज में रखी है। अगर ये आज अच्छी बिरयानी बनी तो मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, क्या बादशाह बाजी बिरयानी वाली, ये आज अच्छी बनी है। हाँ बेबी आज मसाला ऐसा चकास है ना, ये देखें तुम्हारे टमाटर सही गले, ये लो ये देखिए अब अगेन बिरयानी बनाई है मैंने, मेरी क्योंकि क्रेविंग ही नहीं खत्म हुई थी अभी बिरयानी की, फिर मैंने कहा मैं क्या करूँगा, खत्म छोड़ो आज बिरयानी नहीं बनाओ, आज लोंजी बना लो, मैंने कहा बिरयानी ही खाऊंगी जो मर्जी हो जाए, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, और क्या बिरयानी बनी है, चले आए खाते हैं बिरयानी फिर। बोटी तुमने दी नहीं हमें, इसके अंदर बोटी मैंने ना साफ साफ बोटियाँ पीसेस वगैरह डाल दी थी बच्चे निकाल ना सके, ओके बस इतने इतने बिल्कुल साफ साफ बोटियाँ पीसेस वगैरह डाल दी थी मैंने, चलो चखे ना। अच्छा आलू के साथ खा, चेक करते हैं मसाला, चावल को चेक करो, वैसे आप बोल दो चावल द्वारा डाला करो बोटी का, और कबाब बताएं जी मसाला, अब आप चेक कर लो बारी जान, बाजी गुल मीना गुल कैसे लग रही है। ये देखें जी मैंने मिल्क शेक बनाया था बिरयानी के साथ ही, फ्रिज में रख दिया था बना के, अब मैं पीने लगी हूँ, मैंने वकास को आइसक्रीम मिला के दिए मिल चाहिए हुआ, मेरा दिल खराब कर दिया मैंने कहा बहुत वायरल हुआ था आज मैंगो में, वकास ने सदा 2 जायके मिक्स करके पी रहा हूँ। सो मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, मेरे नाक में बहुत खारिश होती है, लोग बोलते हैं आप यहाँ बार बार नोज़ को हाथ लगाती, ये वाली जगह ना ऐसे खारिश होती है, नज़र की अलामत होती है, आपको पता है ये नोज़ में खारिश होना, पर इवन मेरी आदत है मैं रात को सूरह फलक सूरह नास पढ़ के हाथ से कुर्सी पढ़ के सब पे फूंक के फिर सोती हूँ खुद पे भी, और इतनी जमाइयाँ आती हैं नाक से पानी निकलता है जब सूरह फलक सूरह नास पढ़ते हैं, बट नज़र लग जाती है, बरहक अल्लाह ताला ने जब बताया हुआ है एक चीज़ का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है, सो लग ही जाती है फिर भी। सो बस खैर अभी मुझे गर्मी लग रही थी यार, मैंने इसलिए दुपट्टा उतार दिया। सो खैर ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, लोंजी बताना कैसी लगी थी, और बिरयानी जो गेंद बनाई है मैंने उसका बताना कैसी बनी थी, और ड्रेस का बताना मुझे कैसे लग रहे थे। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट कर जरूर बताना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।